हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ कि पब्लिश्ड प्रॉपर्टी रैपर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एट द रेट पब्लिश करके जो होते हैं, ये मतलब जिन वेरिएबल्स के आगे मैं एट द रेट पब्लिश लगा देता हूँ, तो बेसिकली पब्लिश्ड हो गया, एट द रेट स्टेट हो गए, एट द रेट ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, ये सारे जो हैं प्रॉपर्टी रैपर्स हैं। ठीक है, स्विफ्ट यूआई में 17 प्रॉपर्टी रैपर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कि बेसिकली ऑब्जर्व करने के लिए, डेटा को ऑटो रिफ्रेश करने के लिए। तो वन ऑफ दी प्रॉपर्टी रैपर पब्लिश्ड है। ठीक है, जैसे मैं किस जैसे पब्लिश का बेसिकली यूज़ वो इसलिए होता है कि अगर डेटा को ऑटो रिफ्रेश करना है, कि मतलब जैसे ही कंटेंट में उसमें कुछ भी चेंज हो, तो बेसिकली जहाँ जहाँ यूआई उस पर डिपेंडेड है तो वो अपने आप ऑटो रिफ्रेश होगा। जैसे कि मैं बना लेते हैं, जैसे कि क्लास मैंने बनाया, और बेसिकली जो पब्लिश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, पब्लिश प्रॉपर सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, पब्लिश प्रॉपर्टी रैपर जो होते हैं वो क्या है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही अलाइन हो मतलब फॉल करते हैं। जैसे मैंने कोई भी मॉडल बना लेता हूँ, जैसे माई मॉडल करके बनाया, और ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। ठीक है, क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे अब मैंने लिख दिया वेयर नेम स्ट्रिंग, इसका कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे दीपक मैंने नाम लिख दिया अपना। अब जैसे यहाँ टेक्स्ट है, जैसे मैं बटन बना लेता हूँ, एक बटन एक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, और टेक्स्ट जो होगा इसका, अब जैसे यह माई मॉडल है तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे मुझे एक इसका वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेयर माई मॉडल इज इक्वल्स टू माई मॉडल, किसके टाइप का है, माई मॉडल टाइप का ही। ठीक है, अब मैंने ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जो इसका टेक्स का जो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है माई मॉडल डॉट नेम। ठीक है, जो भी प्रिंट होगा वो माई मॉडल डॉट नेम होगा, पर हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ही बटन प्रेस हो तो इस वैली नेम को अपडेट कर देने वाले हैं जो भी है। जैसे मान लेते हैं कि माई मॉडल डॉट नेम में क्या जाएगा, नेम में जाने वाला है, नेम तो रहेगा ही रहेगा साथ, सॉरी दीपक तो रहेगा ही रहेगा साथ में, उसके साथ यू आई डी स्ट्रिंग मतलब यूनिक दिखाने के लिए कि कंटिन्यूसली वो यूनिक नंबर ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब अभी मैंने क्या किया है, पब्लिश यूज़ नहीं किया ना, तो ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूज़ किया, सिंपल जैसे नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस तरीके से क्रिएट किया। ठीक है, तो इससे देखते हैं कि एक्चुअल में क्या आंसर आने वाला, मतलब क्या व्यू पे क्या दिखने वाला है। तो मैंने किया, अब मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो बेसिकली कुछ प्रिंट नहीं हो रहा ना। अब मैं क्या करता हूँ, वेयर नेम के आगे लगा देता हूँ एट द रेट पब्लिश्ड। ठीक है, मैंने लगाया एट द रेट पब्लिश, ये प्रॉपर्टी रैपर ही है बेसिकली। ठीक है, प्रॉपर्टी रैपर स्विफ्ट यूआई में 17 है, मैं वन बाय वन करके नेक्स्ट वीडियो मतलब बताता रहूँगा, और एट द एंड जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपेरिजन बताऊँगा, क्योंकि दो तीन जो प्रॉपर्टी रैपर्स हैं वो एक जैसा ही काम करते हैं पर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है उनमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट कर दिया और दोबारा से इसको रन कर रहे हैं, तो अब कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा देखते हैं। अब भी शायद कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब भी मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो बेसिकली कुछ चेंज हो नहीं रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट तो बनाया है पर मैं इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट द रेट ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली, अब इसमें कुछ भी जो चेंज होगा वो इस मॉडल में आएगा, मॉडल से थ्रू जो जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ वहाँ पे जाके चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या आने वाला है इसका आंसर, मतलब क्या देखेगा यूआई पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये दीपक है, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हो रही है बेसिकली, नहीं यूआईडी कुछ भी रैंडम है। तो अब क्या करने वाले हैं बेसिकली, यही है पब्लिश का, तो बस यही है कि एक दो तीन पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि ये प्रॉपर्टी रैपर है, इसके अलावा 16 और प्रॉपर्टी रैपर्स हैं जो स्विफ्ट यूआई में यूज़ होते हैं, और बेसिकली ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के अंडर ही अलाइन करता है, और जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी है चेंज हो रही है वहाँ वहाँ पे ये ऑटो रिफ्रेश होता है बेसिकली, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे ऑटो रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो यही था वीडियो में, छोटी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड दूसरे प्रॉपर्टी रैपर के साथ। ठीक है।